कुपवाड़ा के रावतपुरा इलाके से आए कुंभे ने आज मेन चौक कुपवाड़ा में खामोश एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे इस फैमिली का कहना था कि कल सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ एक वीडियो वायरल किया गया जिसमें हमसायों के साथ तजाद को दिखाया गया, साथ में तोड़फोड़ और मारपीट को भी दिखाया गया था। रावतपुरा से आए इस फैमिली का मजीद कहना था कि मोहम्मद अब्दुल्ला ख्वाजा के साथ उनका झगड़ा हुआ जिसके नतीजे में उनके भी लोग जख्मी हुए और प्रॉपर्टी को भी नुकसान हुआ जिसको नहीं दिखाया गया था। वाज़ह है इस हवाले से करालपुरा पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। केस के तहकीकात के बाद ही सच्चाई सामने आ सकती है। तो नाज़रीन यहाँ हम आपको दोनों के बयान सुनवाते हैं, सच्चाई क्या है ये तहकीकात के बाद ही पता चल सकता है। मेरा नाम इशफाक अहमद मीर है और मैं रावतपुरा करालपुरा से बोल रहा हूँ। कल एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो चलाया गया था और उसमें जो उन्होंने बयान दिया था, एक वीडियो क्लिप जो उन्होंने वायरल की थी उस पर जो वीडियो जो चल रहा है, उन्होंने वन साइडेड जो क्लिप उठाई हुई है उसमें खाली वो उनका बोल रहे हैं, हमारा उसमें कुछ भी एडिट नहीं है, वो वन साइडेड स्टोरी है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आइए वहाँ पे, मौके पे चेक कीजिए। नुकसान सिर्फ उनका नहीं हुआ है, नुकसान दोनों तरफ से हुए हैं। उनकी कांच तोड़े गए, हमारे भी कांच तोड़े गए। उनकी जो नुकसान है वो हमारा नुकसान जो है उनके नुकसान से डबल है। और हम SHO साहब और DSP साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ है, अगर हमने ये कहीं पर बोला है कि SHO साहब ने और DSP साहब ने हमसे पैसे लिए हैं और हम कोई भी सज़ा भुगतने के लिए तैयार है। मैं रिसेंटली कॉलेज से आया था और मैं अपने घर में बैठा हुआ था, मैं SSB SI की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं पढ़ रहा था रूम में और मेरा जो पापा है उन्होंने JCP लाई थी और वो ट्रंच खोद रहे थे अपने आंगन में, अपने सहने में, ठीक है। तो फिर ऐसा मामला हुआ कि जो पड़ोसी है हमारा शबीर अहमद खोजा, उन्होंने JCP वाले को बोला कि यहाँ पे ट्रंच मत खोदिए आप, और हम उन्होंने JCP वाले को वहाँ से बोला कि अगर आप ट्रंच खोदेंगे हम इसके शीशे वीशे तोड़ देंगे सब कुछ। फिर अचानक मामला यही हुआ, मैं बाहर आया, मैं पढ़ रहा था रूम में अपने, तो मैं बाहर आया, मैंने उनको बोला आप अंदर आ जाओ, कोई मसला नहीं है, हम जो हमारे बुज़ुर्ग है यहाँ मोहल्ले में हम उनको लाएँगे, मामला सॉर्ट आउट करेंगे, ये क्या कहना चाहते हैं और इनका मसला क्या है हम वो सुनेंगे। फिर उन्होंने ये किया कि JCP वाले को वहाँ से भगा दिया। फिर वो घर गए और वहाँ से एक पार्टी आ रही है कम से कम 50 बंदे। ये हम सर एक ही घर है वहाँ पे, हम एक्चुअली जो मेरा दादा है वो घर से आया है पंजगांव से, हम एक ही घर है वहाँ पे मीर, बाकी ये सारे खोजा है सर। 50-60 बंदे आए पत्थर लेके हाथ में और हमारे घर की तोड़फोड़ कर दी गई। मैं उसका वीडियो कम्प्लीटली बना हुआ है, ये कितने बंदे थे उसमें, वो वीडियो मैं आपको सेंड करूँगा, आप वो वीडियो क्लिप भी चलाइए। तो उसमें ये कम्प्लीटली दिख रहा है कि ये कितने बंदे आए और हम अपने घर में बंदे हुए थे, हम में से कोई भी बाहर नहीं था। और मेरी भाभी जो थी वो वैक्सीन कराने कुछ बाहर गई थी, उसका भी प्रूफ है हमारे पास, वो प्रेग्नेंट है 6 महीने की और वो रास्ते पे बैठी, जब उसने लड़ाई देखी वो शॉक हो गई, एक ही जगह बैठी। और जो शिविर अहमद खोजा है उसने उसकी पेट पे लात मारा जिसकी वजह से उसकी ब्लीडिंग हो रही है, तब से आज तक वो रुकी नहीं रही उसकी ब्लीडिंग। और अगर हमारा किसी भी SHO साहब या DSP साहब से कोई फ्रेंडशिप होती या कोई फैमिली संबंध होता, या जैसे उन्होंने कहा है कि उन्होंने पैसे खाए हैं, तो मेरा अंकल और पापा आज बंद नहीं होता, 3 दिन से बंद होता, और हमारे पीछे इतनी पुलिस नहीं होती जबकि मेरे जेब में बेल भी, कोर्ट की बेल भी पड़ी हुई है। بس نارفات بس ریس ام دی مسز بس اس گمس ڈیٹنس کرنانی یہ چھ مین ثبوت اس تو توڑ اس ائس ب میوز رو دم ام بات اس چلا لاڑ ام اس گ شورنگ بس اس فریگنٹ مس چلا شیم رت اس تو میوز کر شبیر کھوجا تیم اس گڑ میں لات تو بس گیس اتی بہس تو میوز گ بلڈ اتی لاس میوز شیر رتن ون بچ تیم اس لائک میں کین ماس واس اس پروٹک میں تیمو انصاف مجھے ون تہ بلڈ گھا لاس بہت لڑکس پہ بنس درمت مجھے گئی 3 ویری خاندر مجھے اس بچ کھین تین مجھے لگ خاندار لگ مجھے 3 لچھ روپیے علاج مجھے اس بچ وہ یہ لو سہ بچے میرے رود بہت کر میری زندگی کی صرف کر بہ گیس نا نقصان میری زندگی گئی نا خراب بہ کت بہ نہ روز نا کوئی لائق بہت پلیس نا کاروباری کر مجھے خاندار تہ ہارٹ پیشنٹ بہ کت اس مول گھر پہ آمت سہ پانچ گامک آمت سہ گھر پہ راوت پور اس گو ان پہ ستاوان ستاوان اس مولس کور ثور ہم بار بار اچان دار کن اس کورن لایا
تو اس اس کہ ما ا گوٹ کرم کلن دما اس کرو تا ا گوٹ کلن تو گسو چلن ی زمین گسو تو اس کرن تو گسو چلن بی توڑ پنس گام اس تہ انصاف ام کر کہ اس ست ما عمر و گڈ انا کی انا سو تر اس گورنمنٹ روڈس پیٹ ام گسا تات پھر شیش کہ چیز اس انا کر اس ام گسا تہ پھر تات شیش نوج دما کہ چارو اس گاو اس پرس اس ان ایک جہاز گون تاس دت زہر مرک تات پت کر نم شڑ ام سنس ملس تہ ماج تو اس گسا تبر ہت نوج اس دما راتس پیٹ گسن نوج اس دما Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th 12th arts and commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622-888-333, 9469-888-333. क्या आप मुल्क या बैरून मुल्क के नामवार कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में MBBS, BUMS, BDS, पैरामेडिकल, फार्मेसी मैनेजमेंट इंजीनियरिंग होटल मैनेजमेंट कंप्यूटर और दीगर कई सारे कोर्सेज में दाखिला चाहते हैं? क्या आप जराए ना होने को अपने मुस्तकबिल में रुकावट नहीं बनाना चाहते और अपनी आइंदा की जिंदगी को ताबनाक बनाने का अजम किए हुए हैं? तो आइए अथवास कंसल्टेंट्स, मुफ्त मशवरे और काउंसलिंग, स्कॉलरशिप और फीस में रियायत के लिए हम आपकी हर मुमकिन मदद के लिए हर वक्त हाजिर हैं। राब्ते के लिए हमारे फोन नंबर हैं 9906165030195479660 अथवास कंसल्टेंट्स, अथवास करो परवास करो।